हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो 67th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमने करंट अफेयर्स का जो सीरीज हम करने वाले हैं, यहाँ पे तो 1000 एमसीक्यूज हम देखने वाले हैं। सेट वन हम देख चुके हैं, जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस के बारे में देखा था। तो हर सेट में हम 20 क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, और हर क्वेश्चन के अलग अलग जो डायमेंशंस होते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, उस हर डायमेंशन के बारे में हम जिक्र करेंगे, अगर वहां पर कुछ ऐसा क्वेश्चन बनता है तो। ओके, तो सेट वन कंप्लीट हो चुका है। सेट टू में अगेन यहाँ पर हम 20 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, युवा पीएम योजना। ओके, युवा इसका इसका इस तरीके से है, युवा है ये, ठीक है। युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है, यानी कि युवा पीएम योजना इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो किस मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया, इसके बारे में आपको बताना है, युवा पीएम योजना के बारे में। तो बताइएगा इसको, आपका आंसर होगा एजुकेशन मिनिस्ट्री। ओके, तो यहाँ पर जितनी भी मिनिस्ट्री लिखी हुई है, इसमें ऑप्शन ए आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री जो होगा, जिसने युवा पीएम योजना को शुरू किया था। अब ये जो युवा पीएम योजना शुरू किया गया है, इसमें इसका बेनिफिट क्या होगा? तो इसमें ऐसा कहा गया है कि इस योजना के तहत जो 30 साल से कम उम्र के, ठीक है, 30 साल से कम उम्र के लोग हैं, लड़के या लड़कियां हैं, और वो राइटर हैं अगर, यानी कि लेखक है, तो वो इस योजना में शामिल हो सकते हैं। ओके, उनको नॉमिनेट किया जाएगा, और जितने लोग इसमें नॉमिनेट होंगे, उनमें से 75 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, और इन 75 लोगों को 50,000 रुपए पर मंथ प्रोवाइड किए जाएंगे। 30 साल से कम उम्र होना चाहिए, 30 साल या 30 साल से कम उम्र के लेखक, और जितने लोग होंगे नॉमिनेट किए जाएंगे, उसमें से 75 लोगों को चुना जाएगा, और उनको 50,000 रुपीज पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पर सरकार के द्वारा। क्यों? क्योंकि सरकार यहाँ पर चाहती है कि जो नौजवान है वो भी लेखन की दुनिया में आए, राइटर बने, और हमारी जो हिस्ट्री या कल्चर है उसको प्रिजर्व करने में सहायता करे। ओके, तो इस वजह से ये युवा पीएम योजना को शुरुआत किया गया है। तो आपको मिनिस्ट्री भी याद रखना है, इस कितने लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा और कितना रुपए दिया जाएगा प्रति महीना, तो 50,000 रुपए ये आपको याद रखना। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? विच स्टेट हैज लॉन्च लॉन्च पैड योजना, किस राज्य सरकार ने इसकी शुरुआत की है, आपको ये बताना। इसका आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश, जिसने लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है। तो ये जो लॉन्च पैड स्कीम है, इसमें कहा गया कि वैसे बच्चे, यानी कि चाहे वो गर्ल्स हो या फिर बॉयज हो, जो केयर इंस्टीट्यूट से बाहर आते हैं, ठीक है, यानी कि पहले उनको किसी केयर इंस्टीट्यूट में रखा हो गया, जो चाइल्ड केयर का इंस्टीट्यूट होता है, वहां से अगर बाहर आते हैं और इनकी उम्र अगर 18 साल हो गई है, तो ऐसे बच्चों को क्या किया जाएगा कि सरकार कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी। वो फैसिलिटीज क्या होगी कि मध्य प्रदेश का जो डिपार्टमेंट है, वहां का जो आपको विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, वो क्या करेगा कि इन बच्चों को 6 लाख रुपए प्रोवाइड करेगा। किस लिए? ताकि वो शॉप्स को खोल पाए, जैसे कि आपको कॉफी शॉप हो गया, स्टेशनरी का शॉप हो गया, या फिर जीरोक्स वगैरह का शॉप हो गया। ओके, तो इस तरीके से उनके अंदर इम्प्लॉयमेंट आए, और इसके लिए यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, किसका, राज्य सरकार का, भारत सरकार का नहीं। ओके, तो वो क्या करेगा कि 6 लाख रुपए यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा उन लोगों को जो कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट से बाहर आए हैं और उनकी उम्र 18 साल हो चुकी है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो एक एनजीओ के द्वारा किया जाएगा, ठीक है, तो सरकार इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगी। नेक्स्ट, संरक्षण क्षमता महोत्सव यानी कि सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? कंजर्वेशन कैपेसिटी फेस्टिवल कॉल्ड सक्षम 2021 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो आपको बताना है, संरक्षण क्षमता महोत्सव यानी कि सक्षम, और कंजर्वेशन कैपेसिटी फेस्टिवल सक्षम 2021 किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया? इसका आंसर होगा डी, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री। इसका पर्पस क्या है, ये जो योजना शुरू की गई है, इसका पर्पस होगा इनर्जी कंजर्वेशन। क्या होगा? इनर्जी कंजर्वेशन यानी कि ऊर्जा संरक्षण के लिए ये संरक्षण क्षमता महोत्सव या सक्षम 2021 को लॉन्च किया गया है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के द्वारा। तो याद रखिएगा, पर्पस क्या है, इनर्जी कंजर्वेशन।
नेक्स्ट बात करते हैं एक्स डेजर्ट नाइट नाइट 2021 युद्धाभ्यास, ये किसके बीच में किया गया? एक्स डेजर्ट नाइट 2021 वॉर एक्सरसाइज इज बिटवीन विच कंट्रीज? ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा होगा ये आपको बताना। इसका आंसर होगा इंडिया एंड फ्रांस, यानी कि ऑप्शन डी। तो इंडिया एंड फ्रांस के जो एयर फोर्स होंगे वो इसमें हिस्सा लेंगे, तो ये भी आप याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा कि वहां पर आपको आर्मी नेवी एयर फोर्स तीनों का जिक्र आ जाएगा, तो एयर फोर्सों का, ठीक है। तो इंडिया और फ्रांस की एयर फोर्स के बीच में एक्स डेजर्ट नाइट 2021 का युद्धाभ्यास किया गया, पर ये कहां पर किया गया ये भी आपको जानना होगा। ये किया गया आपको राजस्थान में, राजस्थान में कहां पर? जोधपुर। ओके, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जरूरी नहीं है कि ये पूछेगा कि देश ही पूछे, वो जगह का नाम भी पूछ सकता है कि कहां पर ये किया गया, तो आपको ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की गई है? भारत के पहला इथेनॉल संयंत्र, इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट इथेनॉल प्लांट बी सेटअप? किस राज्य में भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र को स्थापित किया गया? इथेनॉल का यूज कैसे होता है, यू नो, किसके, ये जो आपको पेट्रोल वगैरह होती है डीजल वगैरह में इसको मिक्स किया जाता है, इससे आपको जो वो ऑयल होते हैं उनकी इफिशियंसी भी बढ़ती है और वहां पर कंजर्वेशन भी होता है, ओके, पॉल्यूशन लेवल भी कम होता है इसके थ्रू। तो ये आपको स्टार्ट किया गया है कहां पर? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र या फिर इथेनॉल प्लांट को स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने ग्लोबल बायो इंडिया, किस मंत्रालय ने ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है या किया है? विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड ग्लोबल बायो इंडिया 2021, ये आपको बताना। तो ऑप्शन आपको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। इसका आपको सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा ये ग्लोबल बायो इंडिया 2021 को स्टार्ट किया गया है। बायो का मतलब क्या होगा? बायोटेक्नोलॉजी। बायो का मतलब बायोटेक और बायोटेक्नोलॉजी, ये स्टार्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? हु ओन ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप टाइटल? ध्यान रखिएगा यहां पर इंग्लैंड है, इंडिया नहीं है। ओके, तो ये खिताब किसने जीता ये बताना है। ऑप्शन इज ली चोंगवेई, ली जी जिया, विक्टर एक्सलसेन एंड कैरोलिना मारिन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि ली जी जिया ने ये जो ऑल इंडिया ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप है इसका खिताब जीता है। और ध्यान रखिएगा ये पुरुष है, ये मेल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021-22 केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल बजट 21-22। ओके, तो 2021-22 का जो सेंट्रल बजट है, भारत सरकार का बजट है, उसके अनुसार कितना व्यय किया गया? तो ये आपको ऑप्शंस हैं 34, 32, 30, 34, उसके बाद फिर 83 इधर है, यहाँ पर 42 उधर है। इसका ऑप्शन होगा ए 34,83,236 करोड़ रुपए, यहाँ पर आपको टोटल एक्सपेंडिचर है केंद्रीय बजट का 2021-22 के अकॉर्डिंग, मतलब ये होने वाला है ऐसा। तो अब यहाँ पर एक चीज है कि जो बीपीएससी में आपको डेटा पूछे जाते हैं ना, वो डेटा आपको एक्यूरेट याद करना है। अगर यहाँ पर डेटा आपको ये फोर्थ डिजिट तक भी याद होता तो आप कर लेते, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ई नहीं है। लेकिन जो बीपीएससी में ऑप्शन ई होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपको एक्यूरेट डेटा याद करना पड़ेगा, आप अप्रोक्सीमेशन में काम नहीं कर सकते, फिर अप्रोक्सीमेशन में गलत हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा कभी भी बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए अप्रोक्स में डेटा याद मत कीजिएगा, ऑप्शन डी ऑप्शन ई आपको डिस्टर्ब कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, भारत का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया?
यानी कि इंडिया फर्स्ट फायर पार्क स्टार्टेड इन विच स्टेट। फायर पार्क, फायर मतलब आग, ये किस राज्य में स्टार्ट किया गया? ऑप्शन इज मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड तेलंगाना। एंड आंसर विल बी ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा के कहां पर? भुवनेश्वर में। ओके, तो भुवनेश्वर में ये आपको फायर पार्क या फिर फायर पार्क ये स्टार्ट किया गया। इस फायर पार्क का उद्देश्य क्या है? जैसे कहीं आग लग जाए, ओके, तो किस तरीके से उसको बुझाना है, बुझाना है, और उसका प्रोटोकॉल क्या होगा, ओके, किस तरीके से रेस्क्यू करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करना है, तो ये यहाँ पर सिखाने का काम इस फायर पार्क में किया जाएगा। तो ये कैसे सिखाया जाएगा, इसके लिए यहाँ पर जो फायर पार्क होगा ये मूवीज बनाएंगी, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगी, ओके, कुछ एक्शंस के द्वारा समझाया जाएगा, ओके, तो लोग वहां पर अगर विजिट करेंगे पार्क में तो वहां पर उनको कुछ शूज वगैरह दिखाए जाएंगे कि किस तरीके से आपको रेस्क्यू करना है या फिर खुद बचना है अगर आप किसी के यहाँ आग लगती है। तो ये फायर पार्क में ये किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, स्टेट का नाम ना पूछे कभी, तो जगह का नाम भी, वहां के शहर का नाम भी पूछ सकता है। नेक्स्ट, घर पर COVID-19 का परीक्षण करने के लिए ICMR यानी कि ICM द्वारा किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई? विच रैपिड एंटीजन टेस्ट किट हैज बीन अप्रूव्ड बाई ICMR टू टेस्ट COVID-19 एट होम? तो घर पर COVID-19 का अगर टेस्ट करना है तो उसके लिए एक किट जारी किया गया है जिसका नाम है एंटीजन किट, ये मतलब एंटीजन टेस्ट किट ही है। तो ये ICMR के द्वारा किया गया है। ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ओके, तो बताना है कि कौन सा इसमें चारों में से कौन क्या नाम है उसका, उस डिवाइस का या टेस्ट किट का? डीप कोविन, कोविसेल्फ, कोविन, रैपिड सेल्फ। ये मैंने एक आपको करवाया भी था, आपको यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो भी, डेडिकेटेड वीडियो थी इसके लिए। तो ये होगा आपका ऑप्शन बी, कोविसेल्फ। कोविसेल्फ वो डिवाइस या टेस्ट किट है जो एंटीजन टेस्ट आप COVID-19 का घर पे कर सकते हैं। तो ये अप्रोक्स 15 मिनट के अंदर आपको ये रिजल्ट बता देता है। अगर 15 मिनट के बाद अगर इसका रिजल्ट आता है तो उसको वो इनवैलिड माना जाएगा। ओके, इसमें लिखा गया है कि 15 मिनट तक अगर रिजल्ट आ जाता है तो वो वैलिड होगा, लेकिन 15 मिनट के बाद अगर रिजल्ट आता है तो वो इनवैलिड माना जाएगा, आपको दोबारा करना पड़ेगा टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2021 में किस क्रिकेटर को तीसरा एलन बॉर्डर मेडल मिला हुआ? विच क्रिकेटर हैज गॉट थर्ड एलन बॉर्डर मेडल इन फरवरी 2021? एलन बॉर्डर मेडल जो कि क्रिकेटर को मिलता है, एलन बॉर्डर एक क्रिकेटर भी थे, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे ये, तो इनके नाम पर ये मेडल दिया जाता है। तो बताना है कि ये तीसरा मेडल किसको मिला हुआ है फरवरी 2021 में? विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह। इसका ऑप्शन सही होगा बी, यानी कि स्टीव स्मिथ जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया के ही है, इनको ये तीसरा एलन बॉर्डर मेडल मिला हुआ, यानी कि तीन बार इनको मिला हुआ कहने का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने COVID-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने के लिए निर्णय लिया हुआ है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश COVID-19 वॉरियर मेमोरियल? ये मेमोरियल किसके लिए होगा? जो डॉक्टर्स, नर्सेस या जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं जो COVID-19 के समय जिनकी डेथ हो गई है, ओके, मतलब सर्व करते हुए, तो उनका यहाँ पर मेमोरियल बनाया जाएगा। तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा डिसीजन लिया गया ये बताना है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, ओडिशा एंड केरल। ऑप्शन सी, ओडिशा में COVID-19 वॉरियर मेमोरियल बनाया जाएगा, और वो भी कहां पर? अगेन भुवनेश्वर में आपको ये बनाया जाएगा। ठीक है, तो जगह का नाम भी याद रखना है कि कहां पर ये बने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 33 क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया है? ओके, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च सेहत OPD पोर्टल? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वीमेन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस।
मैं ये बता दूं कि सेहत ओपीडी पोर्टल जो है ये मेनली एक टेली मेडिसिन की तरह काम करेगा। ये पोर्टल टेली मेडिसिन की तरह काम करेगा, यानी कि किसी को प्रॉब्लम अगर हो गई, यानी कि उसको तबीयत उसकी खराब हो गई, तो फोन करके डॉक्टर से बात किया जा सकता है, या फिर मैसेज वगैरह करके भी डॉक्टर से बात किया जा सकता है। तो उसके लिए पोर्टल ये बना हुआ है, सेहत ओपीडी पोर्टल। तो इसका ऑप्शन होगा डी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको स्टार्ट किया हुआ। अब चूंकि ओपीडी हेल्थ से रिलेटेड है तो आप लगा देंगे हेल्थ मिनिस्ट्री, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री ने नहीं किया हुआ है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सेहत ओपीडी पोर्टल कहलाया है। क्यों? ताकि जो आर्मीज वगैरह होती है, आर्मी जो फोर्सेस हैं और आर्मी के जो पर्सनल्स होते हैं और आर्मी के पर्सनल्स के जो फैमिली वगैरह होती है, उनके लिए ये टेली मेडिसिन के तौर पर आपको ये पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो मेनली ये आर्मी और उसके फैमिली वगैरह जो है उनको सर्व करने के लिए ये सेहत ओपीडी पोर्टल बनाया गया है। इस वजह से ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिफेंस के द्वारा लॉन्च किया गया। तो अगेन याद रखना है किसके लिए, आर्मी एंड देयर डिपेंडेंट फैमिलीज। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म, फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ सोलर प्लेटफॉर्म बना रहा है? विच कंट्री इज कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म? तो फ्लोटिंग सोलर का मतलब तैरता हुआ, तो पानी पर तैरेगा, तो यहाँ पर सोलर सोलर पैनल्स बनाए जा रहे हैं जो कि पानी पर तैरेंगे। तो ये बताना है कि किस देश के द्वारा ये बनाया जाएगा। फ्रांस, रशिया, सिंगापुर और कैनेडा। ओके, तो होगा ऑप्शन सी, सिंगापुर के द्वारा। तो ये जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, एक ये पूरा पॉन्ड टाइप का है, ये तालाब टाइप का है, और उसके ऊपर आपको ये तैरते हुए यहाँ पर पैनल्स दिखेंगे। ओके, तो ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ना, थोड़ा सा आप ऐसे भी सही लगा सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जो सोलर का कुछ बनेगा, सोलर प्लेट वगैरह एनर्जी उसे कन्वर्ट करने की बात होगी, कहाँ पर, जहां पर ज्यादा इंटेंसिटी होगी सनलाइट की। फ्रांस, ये आपको टेम्परेट जोन में पड़ता है, सनलाइट की इंटेंसिटी ज्यादा नहीं होगी तो वो क्यों बनाएगा? रशिया, आधा रशिया तो आपको आर्कटिक में ही पड़ता है, सालों भर बर्फ से जमा रहता है, वो क्यों बनाएगा, उसके यहाँ सनलाइट उतना पहुंचता ही नहीं। कनाडा, अगेन रशिया वाला हाल, कनाडा का भी अगर मैप आपको मैप की नॉलेज होगी तो आधा उसका भी जमा रहता है एरिया नॉर्दर्न वाला, सालों भर बर्फ से, वो उसके यहाँ सनलाइट उतनी होती ही नहीं, इंटेंसिटी उसकी ज्यादा। तो सिंगापुर होगा डेफिनेटली, इस हिसाब से भी लगा सकते हैं, सिंगापुर आपको इक्वेटर की यानी कि विषुवत रेखा के आसपास में पड़ता है, तो यहाँ पर सनलाइट भी ज्यादा होती है, तो ये बना सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी, या फिर कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट 13th ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस? आपको बताना है। तो ये 13वां आपको ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस जो होगा ये 2021 का है, तो ये किस कंट्री के द्वारा किया जाएगा ये आपको बताना है। चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका और ब्राजील। ऑप्शन इस बी, यानी कि इंडिया के द्वारा 13वां ब्रिक्स 2021 कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। ओके, जो 2020 का कॉन्फ्रेंस था वो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था आपको रशिया के द्वारा, लेकिन वो क्या हुआ था, वर्चुअल मोड में हुआ, वर्चुअल मोड मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 2020 में, लेकिन 2021 में इसको शेड्यूल किया गया है इंडिया में होने का, 13वां जो एडिशन होगा। तो एडिशन भी याद रखना जरूरी है, वो पूछा जाता है कि कौन सा होने वाला है भाई, तो 13वां। 2020 में जो कौन सा हुआ था, 12वां हुआ। नेक्स्ट, फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान किस देश से संबंधित है? विच कंट्रीज एसोसिएटेड विथ फ्रीडम पाइनएप्पल मूवमेंट? पाइनएप्पल खाने वाला एक होता है ना, क्या कहते हैं इसको, नाशपाती। ओके, तो ये अभियान चलाया गया है, इसके नाम पर किस कंट्री के द्वारा चलाया गया है ये आपको बताना है। चाइना, ताइवान, मलेशिया एंड फिलीपींस। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ताइवान इसका जो होगा सही आंसर होगा। अभी मूवमेंट है क्या फ्रीडम पाइनएप्पल? आपको इधर चाइना है और यहां पर आपको पड़ता है ताइवान, ठीक है? जाके थोड़ा सा पैसिफिक ओशियन का मैप देखिएगा, और पैसिफिक ओशियन का जो वेस्टर्न पार्ट है उसका मैप देखिएगा, तो चाइना और ताइवान इस तरीके से मिलेंगे। तो ये ताइवान में क्या होता है कि पाइनएप्पल उगाए जाते हैं, तो ताइवान में जो पाइनएप्पल उगाने का सीजन आया उससे पहले ही चाइना ने ताइवान के पाइनएप्पल को बैन कर दिया, ठीक
इंपोर्ट को बैन किया कि अब ताइवान से पाइनएप्पल क्या होगा, चाइना में नहीं आएगा। ओके, तो ताइवान के पाइनएप्पल के इंपोर्ट को चाइना ने बैन कर दिया। चाइना का कहना है कि पिछले बार जो कंसाइनमेंट आई हुई थी उसमें कुछ जर्म्स वगैरह पाए गए थे, कंटेमिनेशन था उसमें, ओके, तो इस वजह से हम इसको बैन कर रहे हैं। लेकिन ये रीजन डेफिनेटली ऐसा नहीं है, क्योंकि चाइना और ताइवान में बनती नहीं है, चाइना अपना ऑनरशिप क्लेम करता है ताइवान के ऊपर, ओके, तो इस वजह से किया गया। तो इस चीज के लिए ताइवान में फ्रीडम पाइनएप्पल को शुरू किया गया, ओके, ताकि क्योंकि चाइना ने इसको बैन किया हुआ, तो ये फ्रीडम पाइनएप्पल के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो। नेक्स्ट, किस राज्य में देश का पहला बौद्ध थीम पार्क बनाया गया है? इन विच स्टेट कंट्रीज फर्स्ट बुद्धिस्ट थीम पार्क हैज बीन कंस्ट्रक्टेड? बुद्धिस्ट थीम पार्क या फिर बौद्ध थीम पार्क बनाया गया है किस राज्य में? ऑप्शन यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश एंड झारखंड। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कहां पर? मध्य प्रदेश में भोपाल के पास एक जगह पड़ता है सांची, एंड यू नो सांची में स्तूपास भी मिले हुए हैं, काफी फेमस स्तूपास है ये, जैसे सांची हो गया आपको, फिर बनारस के पास ये सारनाथ हो गया, ये काफी फेमस स्तूपास। तो सांची में आपको ये देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क बनाया गया, तो ये भी आपको याद रखना है, स्टेट के साथ साथ पर्टिकुलर उस जगह का नाम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। केंद्रीय बजट 21-22 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? यानी कि इस बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना रखा गया है कि हम इस साल इतना ही हम घाटे को मेंटेन करने वाले हैं? व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट टारगेट फॉर सेंट्रल बजट 2021-22? ऑप्शन इज 8.5, 9.5, 7.5, 6.8। ऑप्शन होगा डी 6.8। आपको पता होगा कि 2020 में कोविड के समय पर जो केंद्र सरकार थी उनकी इनकम कम हो गई थी, टैक्सेस मिलना कम हो गए थे क्योंकि सारा कारोबार ही रुक गया था, तो टैक्सेस नहीं मिल रहे थे, इनकम नहीं हो रही थी, लेकिन खर्चा बढ़ गया कोविड-19 को, उसके लिए बहुत सारे पैकेजेस यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे पैकेजेस लेके आई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था वो काफी ज्यादा हो गया था इनकम से, तो इस वजह से घाटा जो था वो काफी बढ़ गया, यू नो, तो अब इसको थोड़ा सा कंट्रोल में लाने की जरूरत है, इस वजह से यहाँ पर टारगेट रखा गया है 2021-22 के बजट में कि इस साल हम 6.8% तक यहाँ पर जो फिस्कल डेफिसिट है उसको रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने श्वास, ये इस तरीके से आधा सौ है, श्वास ऑक्सीजन सांद्रक विकसित किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड श्वास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर? ओके, तो एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का मतलब ये क्या था कि इसके थ्रू ऑक्सीजन लिया जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर को इससे अटैच किया जाता है और फिर उसको जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके नाक में फिर उसको दिया जाता है। तो इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिसका नाम श्वास है, इसको किस संगठन के द्वारा डेवलप किया गया है? ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, DRDO, डिफेंस में काम करता है, इसरो स्पेस में काम करता है, भारत बायोटेक जो वैक्सीन वगैरह बनाती है, इसका वैक्सीन भी चल रहा है, वो थोड़ा कमेंट में बताइएगा कि भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई कौन सी वैक्सीन अभी कोरोना के लिए चल रही है? दो वैक्सीन इंडिया की है, एक आपको हो गया कोवैक्सीन हो गया, कोविशील्ड हो गया, ओके, एक्चुअली कोविशील्ड इंडिया का नहीं है, जो आपका USA का है उसका इंडियन वर्जन है वो कोविशील्ड, अदरवाइज वो इंडियन का इनोवेशन नहीं है, हमारे यहाँ का पर्टिकुलर है कोविवैक्सीन, तो आप कोवैक्सीन, तो आपको ये बताना है कि कोविशील्ड या कोवैक्सीन में से कौन सी वैक्सीन है जो भारत बायोटेक के द्वारा बनाई जाती है, कमेंट करके बताइए, ये पूछा जा सकता है। खैर, इसका आंसर होगा आपको इसरो, इसरो के द्वारा ये श्वास नामक जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है या फिर ऑक्सीजन सांद्रक है, इसको विकसित किया गया है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, व्हाट इज एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयरो इंडिया 2021 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? एशिया बिगेस्ट एयर शो जिसका नाम है एरो इंडिया 2021 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड ऑन विच प्लेस? आपको ये बताना, बेंगलुरु, जोधपुर, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन ए,
दिस इज द बेंगलुरु जहां पर एशिया का सबसे बड़ा एयर शो जिसका नाम है एयरो इंडिया 2021 को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया। ओके, तो अब ये देखिए कि जो 40 यहाँ पर लिखा गया है ना, ये 40 आपका ओवरऑल नंबर है, यानी कि हमने पिछले क्लास में 20 डिस्कस किया हुआ था, अभी हमने 20 डिस्कस किया तो 40 हो गया। नेक्स्ट जब आएगा तो 40 के बाद यानी 41 से शुरू होगा और 60 तक जाएगा, तो इसी तरीके से कंटिन्यूशन रहेगा क्योंकि हमें 1000 तक पहुंचना है। ओके, तो हम हमारी काउंटिंग भी इस तरीके से होती रहेगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा मैं टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, अगर आप चाहिए तो, अगर आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नाउ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नाउ थैंक यू एंड गुड नाइट।